कांग्रेस राहुल गांधी के मसले पर भाजपा सरकार को तानाशाह बताते हुए उनके खिलाफ 30 अप्रैल को बड़ी रैली करेगी। इससे पहले 3 से 20 अप्रैल तक केंद्र सरकार को पोस्ट कार्ड लिखकर विरोध जताया जाएगा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष लक्ष्मी अग्रवाल ने कहा कि भाजपा लोकतंत्र की हत्या कर रही है और विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। मोदी सरकार अडानी अंबानी के हाथों में देश को बेचने का काम कर रही है। इस पर सवाल उठाने वाले नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। मोदी सरकार ने इस सबसे बौखला कर राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की है। लक्ष्मी अग्रवाल ने कहा कि 3 अप्रैल से प्रधानमंत्री को पोस्ट कार्ड भेजकर विरोध जताया जाएगा तथा 30 अप्रैल को मोदी सरकार के खिलाफ बड़ी रैली की जाएगी। कि जिस तरह से ये तानाशाह सरकार देश में जो लोकतंत्र को छीन करने का जो प्रयास कर रही है और जिस तरह राहुल गांधी जी को की सदस्यता इन्होंने बहुत आनंद फानंद में जिस तरह रद्द करवाकर उनको घर से बेघर किया है, हम कहते हैं कि जितनी तत्परता आपने राहुल जी के मामले में दिखाई है इतनी तत्परता आपको अडानी जी के मामले में भी दिखानी चाहिए। तो अब हम जनता के द्वार जाएंगे क्योंकि देश ये जानना चाहता है कि जो शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए लगा है अडानी जी वो किसका है, जो मोदी जी के अडानी और अंबानी जी से क्या संबंध है, और जो ये अत्याचार जो ये प्रपंच और षड्यंत्र ये सरकार तानाशाह सरकार विपक्ष के नेताओं पे कर रही है, हम तमाम इन मुद्दों को बिंदुओं को लेके नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से पोस्ट कार्ड अभियान के माध्यम से जन सत्याग्रह के माध्यम से जनता की अदालत में लेके जाएंगे और जनता सरकार से सवाल पूछेगी, हर घर का व्यक्ति सरकार से सवाल पूछेगा और सरकार को जगाने का काम करेगा। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।